फ्रेंड है ना? फ्रेंड ही है मेरी। जूस पिए क्या? रहने दो, तुम हमारे साथ क्यों पियोगे? छे, हमेशा पकड़ा जाता हूं, या तो इसे मार देना चाहिए या खुद मर जाना चाहिए। अब ये भी सुन लिया क्या इसने? मतलब वो ये क्यों? दोबारा जब वो लड़की कॉफी के लिए बोले तो मेरे फ्रेंड का सर पैसों की वजह से उसके सामने झुके ना। अरे नहीं नहीं अनु, बाय। फ्रेंड है ना? अरे फ्रेंड ही है यार। और तेरी लवर? हेलो। हे, व्हाट्स अप? सब ठीक है, तुम बताओ। संजू, हैदराबाद में रहते हो, इंग्लिश में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। ओह, I English, you English, spoken English, now you speak English. So, what's your plan? 499 rupees unlimited calls with 4GB mobile data. छी, bad joke. क्या bad? अगर यही joke मेरे गांव में सुनाऊंगा ना, लोग पागल हो जाएंगे, पता है? Okay. Let's catch up sometime. No catches. Only bowling or batting. I said, let's meet today. Oh. In house, okay? Are you sure? Yeah. Nobody in house. I'm okay. लगता है आज इसके घर पे कोई नहीं है। क्या मुझे जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं? घर बुलाकर प्रपोज करना चाहता हो। चांस मिस नहीं करना चाहिए। Okay. So let's meet at 8 p.m. Okay then. Bye. Bye. कह रही है घर पर कोई नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मेरे फ्रेंड के डैड के किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे, जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल, मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। मैं जाऊँ अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रितु का घर है। आ जाओ संजू। किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया? तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? उनके याददाश्त कमजोर है, ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ये बात वो भूल गए थे। ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तो मेरे तुझे क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। रितु सबके डाउट्स क्लियर करती है, और तुम रितु के डाउट्स क्लियर करने आए हो? इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस अंकल? एक्सप्लेन डेटाबेस। डेटाबेस इज अ सब्जेक्ट मैटर सॉलिसिटेशन, प्लीज रिमेंबर डॉक्यूमेंट आल्सो इज अ डेटाबेस। तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं आया? ठीक है फिर से बोलता हूँ, डेटाबेस इज अ। इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके
व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल. है ना? या टेल मी. जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी. ओप्स. व्हाट इज एन एरे? पास. ये कोई क्विज शो है क्या? पास का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये पास था. जाऊं क्या? किस तरफ है? वहां. इस ऋतु को तो फोन. हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया उसके लिए थैंक यू अंकल. बाय. देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा. एक ग्लास पानी पिला. ओके. ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है तो अब मुझे समझ में आ गया. आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ. तो अब बताओ, व्हाट इज एन एरे? अंकल व्हाट? अंकल, ये कौन है? इसके अंकल. और ये कौन है? अच्छा, तो अब ये कौन है? जिसने आपको खून दिया उसे ही भूल गए. खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना? मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है. क्यों रे, इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा? I don't know, सर, क्रेजी का है. मुझे भूलने की बीमारी भी है. बहुत अच्छी बात है जी, आपको भूलने की बीमारी है ये भी भूल जाते हैं. अरे ये सब कौन है, यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा? चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं. अब आपसे कट. तेरा कुछ नहीं होगा. किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? किडनी नहीं, दिमाग खराब है. पागलों के साथ मत घुमा करो, जाके सो जाओ. हे, थैंक यू. सो तू कल संजू के घर जाने वाली थी, गई थी क्या? सोचा था संजू ने प्रपोज करने के लिए घर बुलाया इसलिए मैं वहां गई थी, पर उसकी बकवास इंग्लिश की वजह से सारा प्लान ही खराब हो गया. अच्छा, तो अब क्या करेगी तू? अब लगता है मुझे ही सब कुछ कहना पड़ेगा. तो किसका वेट कर रही है? कॉल करना. हेलो. हेलो, कहाँ हो? यहाँ NIMS हॉस्पिटल. हॉस्पिटल? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट. एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? मैं अभी आती हूँ. अरे नहीं, मेरी है. ये सब कैसे हुआ? वो जो हुआ उसके लिए रोज देकर सॉरी बोलने के लिए फ्लावर शॉप के पास खड़ा था. ये फूल किसके लिए है? लवर के लिए यार. तेरी लवर कॉलेज में है ना? ऑफिस में है यार. ऑफिस में तो फ्रेंड है ना? बिना किसी कंफ्यूजन के बता दिया, मतलब भरोसा कर सकते हैं. पहले ये दोनों सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और वो. अरे गुरु, रुको रुको, मैं आपके साथ आ रहा हूँ. मेरे साथ आएगा बोलकर उसके साथ चला गया. एक्सीडेंट किसका हुआ है ये तो तुम बता सकते थे ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी. घबरा गई भाई, घबराई. अगर ऐसी बात है तो उसके लिए सॉरी. हम दोनों के बीच सॉरी नहीं होना चाहिए. मतलब लाइन क्लियर है तेरी? इसने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं. और बताओ. आज तुम ऑफिस नहीं आए थे ना? आई वॉज थिंकिंग. एक मिनट. हेलो. हेलो, तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी, क्यों? बहुत देर से फोन कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा. क्लास में होगी ना आंटी? सुबह ही फोन करके कहा था कि क्लास कैंसिल हो गई है, घर आ रही हूँ. बीच में ही फोन कट गया. लेकिन उसके बाद से फोन कर रही हूँ पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है. मुझे उसकी
बहुत चिंता हो रही है बेटा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ संजू? तुम कैब करके घर चली जाना, ठीक है? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, छोटा सा काम है, तुम ध्यान से जाना। बता के तो जाओ ना। और कैब ड्राइवर का नंबर मुझे व्हाट्सएप करना। नशा चाहिए तो दारू पीना, उसे क्यों छेड़ा? मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। ए, लड़कियों के नजदीक जाते ही पुलिस धो डालती है, और अगर ये बात सबको पता चली तो क्या होगा जानता है? बताओगे? अरे कुछ नहीं, तुम घर पहुंच गई? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहने से पहले ही तुम चले गए। क्या हुआ, कहो ना। पता नहीं इतनी जल्दी कहना ठीक रहेगा या नहीं। अपने मन की बात बोल रही हूँ। आई थिंक मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ संजू। पता नहीं क्यों, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, पूरे दिन तुम्हें ही देखती रही। तुमने जो भी किया मैंने एंजॉय किया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ कॉफी शॉप गई थी तो तुमने मेरे लिए कैब बुक की थी, उसमें बिठाकर ड्राइवर को पैसे देकर उसका नंबर तुमने मुझे भेजा था। तब मैं समझी इतना प्यार करने वाला दूसरा मुझे कोई नहीं मिल सकता। मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी संजू, मेरा विश्वास करो। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट आई एम इन लव विद यू। तुम जो कह रही हो मुझे भी समझ में आ रहा है रितु। आई थिंक आई एम आल्सो इन लव। देन से आई लव यू रितु। आई एम इन लव विद अनु।